सीखे हुए बंदे की तरह से शुरू से ही आप अपना पिछले 25 साल से आपका यही रवैया है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ के कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार लूंगा। अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं गया तुम्हारे एयर कंडीशन के, तुमने एक की बजाय दो लगवा लो, मुझे कोई इतराज नहीं। मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ कि मैं दिल में इस तरह की कीना रखूं या अदावत रखूं या मैं कोई बदला या इंतकाम की सियासत करूं। नवाज शरीफ ने बानी पीटीआई को रूठा हुआ बच्चा करार दे दिया। मुझे जेल में डालकर एसी हटाने का कहा गया, मेरा ध्यान इस तरफ नहीं गया, बानी पीटीआई से इंतकाम लेने का सोचा तक नहीं, कोई गर्ज नहीं उन्हें जेल में, अब कौन सी सहूलियात दी गई। सदर नून लीग की मरी में पार्लिमानी पार्टी के अरकान से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई से मदद मांगने नहीं गया था, कहा आए मिलकर काम करें, मुल्क के साथ किसने क्या किया इसकी तहकीकात जरूरी है, कौम मवाजना करे कौन क्या कर गया। सदर नून लीग नवाज शरीफ का मुतालबा, बोले हक को हक और सच को सच कहना होगा, मुल्क में गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया गया, जंगला बस कहने वाले अरबों रुपए खाकर चले गए, हमने आईएमएफ को खुदा हाफिज कहा, ये दोबारा ले आए, आटे की कीमत में कमी का क्रेडिट वजीर आला पंजाब को दिया, आवाम को सस्ती बिजली फराहम करने की हिदायत की, कहा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज इसी मेहनत से काम करेंगे तो मुल्क बहरानों से निकल जाएगा। वजीर आला पंजाब और सदर नून लीग चार रोज से मरी में मौजूद हैं, कयाम के दौरान सियासी बैठकें लगीं, आज छांगला गली का रुख कर लिया। हुकूमत ज़रई पैदावार में इजाफे के लिए ज़रात में जिद्दत लाना चाहती है, ज़रई मसनूआत और उनकी प्रोसेसिंग से मुल्की बरामदात में इजाफा अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की शियान में यांगलिंग एग्रीकल्चर डिमॉन्स्ट्रेशन बेस के दौरे में गुफ्तगू, पाकिस्तान से 1000 तलबा को ज़रात की जदीद तरबियत के लिए सरकारी खर्च पर चीन भेजने का फैसला, चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर और मुतल्लिका हुकाम को मंसूबे को हतमी शक्ल देने की हिदायत। वज़ीर आज़म को बेस के मुख्तलिफ हिस्सों और पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा कराया गया, वज़ीर आज़म को पाकिस्तानी पवेलियन में पाकिस्तानी मसनूआत दिखाई गई, वज़ीर आज़म को जदीद प्लांट प्रोडक्शन फैक्ट्री का भी दौरा कराया गया। पाकिस्तान और शांची की माबैन ज़राअत, तवानाई और कानकुनी के शोबों में तआवुन तय, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शियान में सूबा शांची के पार्टी सरबराह जाओ एदा की मुलाकात। वज़ीर आज़म बोले पाकिस्तान और चीन दो अहनी भाई हैं जिनकी शराकतदारी, तआवुन और तारीखी बरादराना ताल्लुकात मिसाली हैं। दौरा चीन का तीसरा मरहला, वज़ीर आज़म चीनी सदर के आबाई शहर में मौजूद वफद के हमराह चीन के तारीखी विरसे टेराकोटा बॉर्गर म्यूजियम का दौरा किया। चीनी सदर ने वज़ीर आज़म को आबाई शहर के म्यूजियम को देखने की दावत दी। शहबाज शरीफ ने कहा अजीम कौमें चीन की तरह अपने तारीखी विरसे की हिफाजत करती हैं, 200 वर्ष कबल मसीह के चीनी कारीगरों का हुनर काबिले तारीफ है, पाकिस्तान में ऐसी तारीखी जगहों को बहाली के बाद सियाहती मकामात में तब्दील करेंगे। हुकूमत के लिए खतरे की घंटी, तहरीके इंसाफ और जेयूआई एक पेज पर आने लगी, साबिक हरीफ हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद के करीब पहुंच गए, मामलात आगे बढ़ने लगे, मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़ुज़ात बानी पीटीआई तक पहुंचा दिए गए। ज़रा के मुताबिक बानी पीटीआई ने तहफ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी भी करा दी, बानी तहरीक इंसाफ का पैगाम भी मौलाना फजलुर रहमान तक पहुंचा दिया गया। पीटीआई को बानी की जानिब से मामला तय करने के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाने का टास्क मिल गया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर मुज़ाकराती कमेटी की सरबराही करेंगे, अरकान मुत्तफ़िक का हिकमत अमली मुरत्तब करेंगे, एहतजाजी तहरीक पर इत्तफाक किया जाएगा। उधर फजलुर रहमान से असद कैसर का टेलीफोनिक राब्ता, अगले हफ्ते मौलाना की रिहाइशगाह पर मुलाकात तय। सबसे पहले हमारा चुराया हुआ मैंडेट जो है फॉर्म 47 के जरिए उन्होंने उड़ाया, वो हमें वापस दें, वो तो कोई बात कर ही नहीं सकते हैं। वो फॉर्म 47 वाला वजीर आजम या उनकी टीम, उनसे क्या मुज़ाकरात हम लोग करेंगे। हम लोगों के ऊपर दहशतगर्दी के, कत्ल के, अगवा बराए तावान के, मोटरसाइकिल चोरियों के मतलब पर्चे लगे हुए हैं, ये भी भुगत चुके हैं, इनका खानदान भी भुगत चुका है, अपने मौकफ से नहीं पीछे हटेंगे। मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हमारा मैंडेट वापस करें, रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा किया जाए, अपोजिशन लीडर ने बातचीत के लिए बुनियादी शरायत बता दी। गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब बोले फॉर्म 47 वाले वजीर आजम या उनकी टीम से क्या बात करें, वो शिकस्त खुर्दा हैं, असेंबली में हमसे आंखें नहीं मिला सकते। मजीद कहा हम पर कत्ल, दहशतगर्दी, अगवा के भी मुकदमा दर्ज हैं, ये खुद और इनका खानदान भुगत चुके, कल फिर भुगतेंगे।
T20 का सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला कल होगा। रिवायती हरीफ पाक भारत टीमें आपस में टकराएंगी। न्यूयॉर्क में शायकीन का खिड़की तोड़ रश होने का इम्कान। चेयरमैन PCB मैच देखने के लिए पहुंच गए। अहम टाकरे से कबल क्रिकेटर से मुलाकात मुतवक्के। ग्रीन शर्ट्स के लिए ये मैच डू और डाई के मुतरादिफ। अमरीका से शर्मनाक शिकस्त के बाद पहले राउंड में ही टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा। अब तक T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमें 7 बार आमने सामने आई। भारत को 5, पाकिस्तान को 1 फतह मिली। एक वेस्ट स्ट्राइक हुआ जिस पर सुपर ओवर में पाकिस्तान को नाकामी हुई थी। रोहित शर्मा और विराट कोहली को अपना दोस्त समझो, उन्हें बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं करनी। शाहीन शाह अफरीदी को न्यूयॉर्क में भारतीय शायकीन ने घेर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। T20 वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रन से हरा दिया। अफगान टीम ने पहले खेलते हुए 160 रन का हदफ दिया। कीवीज हदफ के ताकुब में 75 रन पर ढेर हो गए। बांग्लादेश ने श्रीलंका को 2 विकेटों से हरा दिया। आज जनूबी अफ्रीका और नीदरलैंड 7:30 बजे आमने सामने। रात 10 बजे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें मध्य मुकाबला आएंगी। पाकिस्तान की तारीख का पहला पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड और पहली फार्मर रहनुमाई ऐप का इजरा। वजीर आला मरियम नवाज ने पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। मवेशियों की खुराक के लिए 2.5 लाख बिला सूद कर्ज मिलेगा। 40,000 किसानों को लाइव स्टॉक कार्ड के जरिए कर्ज दिए जाएंगे। मरियम नवाज की जनूबी पंजाब में डेयरी फार्मिंग के लिए स्कीम तैयार करने की हिदायत। कहा, पंजाब के लाइव स्टॉक फार्मर्स को माशी खुद मुख्तारी की राह पर गामजर करना चाहते हैं। नजर ताजगुल कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी लीडर नामजद बानी PTI ने मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक साहबजादा महबूब सुल्तान, जैन कुरैशी और अहमद चट्ठा के नाम भी तजवीज़ किए गए थे। पीर को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह स्पीकर कौमी असम्बली को आगाह करेंगे। सहाफती तंजीमों के तहफ़ुज़ात नज़रअंदाज। गवर्नर बैरून मुल्क, कायम मकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने हतके इज्जत बिल पर दस्तखत कर दिए। सलीम हैदर ने बिल पर दस्तखत से मुतालिक तहफ़ुज़ात का इजहार किया था। उधर हतके इज्जत का कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अदालत से कानून को कालेदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त के हतमी फैसले तक कानून पर अमल दरामद रोकने की अपील। मतन में लिखा, कानून आइन और कानून के मुनाफी है। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी कहते हैं, पंजाब हुकूमत ने हर धर्मी का मुजाहरा किया। बिल पर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से मिली हुई है। सहाफी बरादरी कानून के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेगी। सहाफियों से मुतालिक हत के इज्जत बिल पर पीपल्स पार्टी को तशवीश है। हम सहाफियों के साथ खड़े हैं। PP रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं कि बिल पंजाब हुकूमत की जरूरत है तो सबके साथ मुशावरत होना चाहिए थी। बिलावल भुट्टो जरदारी PTI दौर में जालिमाना बिल के खिलाफ सहाफियों के साथ खड़े रहे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीलिना मेमन की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज और टैक्सेशन का इजलास। टैक्स निज़ाम को ऑनलाइन करने और वन लिंक से मुंसलिक करने का फैसला। प्लाटिनम कैटेगरी में 10, गोल्ड में 11 और सिल्वर में 10 प्रीमियर नंबर्स के इजरा का फैसला। सीनियर वजीर की जानिब से प्रॉपर्टी प्रोफेशनल और दीगर टैक्स अहदाफ मुकम्मल करने की हिदायत। बेहतर कारकर्दगी न दिखाने पर महकमा एक्साइज के 82 अफसरान को नोटिस।